कंग्रेचुलेशन दिग्विजय, दिग्विजय के फैंस को भी कंग्रेचुलेशन। अभी कुछ लोग ये बात सोच रहे होंगे कि भाई इसको क्या हो गया, ये तो दिग्विजय के बारे में कुछ ना कुछ बोलती रहती है। भाई अगर गलत करेगा तो बोलूंगी, गलत नहीं करेगा तो क्यों ही बोलूंगी। जो भी गलत करता है या कुछ चीज़ें ऐसी करता है, आड़ी टेढ़ी करता है, उसके ऊपर जो है मैं अपने ओपिनियन रखती हूँ। जैसे कि हर वक्त इस घर में यही बोला जाता है कि अपने ओपिनियन रखो, अपने ओपिनियन रखो, तो मैं भी यहाँ पर वीडियो में अपने ओपिनियंस जो है हमेशा ही रखती रहती हूँ। तो किंग एंड क्वीन का कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ था, पूरे घर वाले जो है इस कॉम्पिटिशन में होते हैं, पर सब लोगों को हरा के जो है अब इस बार दिग्विजय बन चुका है किंग ऑफ द वीक। बिग बॉस 18 का किंग ऑफ द वीक जो है वो इस बार खिताब ले गया है। उसके फैंस ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है दिग्विजय को की है और दिग्विजय को ये खिताब जो है वो जिता दिया है। क्यों भाई, विवियन के फैंस क्या हो गया था, करणवीर के फैंस क्या हुआ था और रजत दलाल के फैंस को क्या हो गया? वो अचानक मतलब कि कल का आया लौंडा अब इन लोगों को पीछे करेगा? ये सब चीज़ें हैं क्या, ये ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा मतलब ये हो चुका है पर ये हो क्यों रहा है, ये जवाब है मेरा, ये हो क्यों रहा है। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए ये जो लड़का है, जो दिग्विजय है, ये दिल का बंदा नहीं है, ये दिल का बंदा बिल्कुल भी नहीं है। और ये रिश्ते बनाने चाहिए, ये शायद अपने घर में भी जो है अपने रिश्तों को भी इतनी अहमियत नहीं देता, वहाँ पर भी गेम खेलता होगा। इसके दिमाग से ये पता चलता है, दिल से अच्छा ऐसा करके लोग बोलते हैं। क्या दिल से अच्छा भाई, जो बंदा दिल से अच्छा होता है वो दिमाग से भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकता। ये दिल से भी नहीं अच्छा, दिमाग से भी नहीं अच्छा, सीधी सी बात है, यही बात है, यही स्पष्ट बात है। क्या है आपका कहना बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।